चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्री इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी चार्ज. के की वैल्यू दी हुई है. देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले बना लेते हैं, ये ट्राई करते हैं, ये कोशिश करके हमने बनाया. यहाँ पर भी एक चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, तीनों जगह प्लस क्यू और प्लस क्यू, तीनों की साइड ए होगी, ऑब्वियस सी बात है इक्विलेटरल है तो ठीक है. अब हमने ये कहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स कितना लगेगा किसी एक चार्ज पे निकालना है, ठीक है. तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस पे ये रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, इधर से ये रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ठीक है. और रिपल्शन के फोर्स की वैल्यू दोनों की सेम होगी, ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों 60 डिग्री होता है, तो वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल ये भी 60 डिग्री होगा. तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ये होगी इस पे एफ नेट की वैल्यू. तो एफ की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा एफ की वैल्यू, के कैपिटल क्यू इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू हो गई. अब नेट फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है. तो पहला फोर्स भी एफ है, दूसरा फोर्स भी एफ है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री. अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये 2f स्क्वायर हुआ प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई टू होती है, 2 से 2 कटा तो 3f स्क्वायर आएगा, f नेट का होल स्क्वायर. सो f नेट का होल f नेट इज इक्वल टू f रूट 3 होगा, f रूट 3. और f की वैल्यू कितने निकाला था हमने, KQ square by A square into root 3. तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सही ना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नोट कर लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.